बता दूंगा तो खतरों के खिलाड़ी वाले नोट ना कर लें। वो इश्क पिक्चर में था ना, मरा 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 मरा, वो हो जाता है मेरा मरा 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 मरा। और बस यार परिवार के लिए बहुत सारी खुशियाँ और गुड हेल्थ, आई थिंक इससे ज़्यादा बकेट लिस्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कवर हमारे साथ है, तो इनके साथ थोड़ा वियर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। सो कवर, आर यू रेडी? या रेडी रेडी, ऑलवेज रेडी। सो व्हाट्स द वियर्डेस्ट ड्रीम यू हैव एवर हैड? वियर्डेस्ट ड्रीम आई हैव एवर हैड, मैं एक बार किसी के घर पे कारपेंटर की नौकरी कर रहा था और मुझे मैंने पता नहीं गलत जगह कील ठोक दी थी और वो परिवार मिलके मुझे मार रहा था। ये अभी हाल ही में हफ्ते भर पहले कुछ ऐसे भलता सा सपना है, कोई स्टोरी नहीं थी उसमें, कोई नरेशन नहीं था, सिर्फ उठ के मुझे इतना याद है कि मैं कील ठोक रहा था और कोई मुझे मार रहा था तो ये बहुत ही वियर्ड सा सपना था। ओके, व्हाट्स वन ऑफ द मोस्ट फन चाइल्डहुड मेमोरीज यू हैव? गोइंग ऑन माय फादर्स सेट्स, मैं पापा की शूटिंग पे बहुत जाता था और सभी एक्टरों के साथ उठता बैठता था, खेलता था। एंड आई थिंक जस्ट बिफोर बिकमिंग एन एक्टर मैं 1000 में मेरी बहन आए के सेट में बहुत जाता था, क्रिस्टल निया विया सबके साथ बैठता था, देखता। तब मैं बस अंदर चाह जागी थी ना एक्टर बनने की, तो मैं कभी कभी जाके बस शूटिंग देखता था। एंड बचपन में जितने बी आर चोपड़ा के सीरियल्स पापा ने किए हैं उनके सेट पर जाके बहुत बैठता था। सो आई थिंक वो मेरे बहुत फॉन्ड मेमोरीज है, गोइंग ऑन पापा शूट्स। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? बता दूंगा तो खतरों के खिलाड़ी वाले नोट ना कर लें, बट स्टिल बताना तो पड़ेगा। बिगेस्ट फियर, आई थिंक मुझे थोड़ा डीप वाटर फोबिया है, थोड़ा मैं डीप वाटर से थोड़ा, जबकि बीइंग अ पाइसियन लोगों को प्यार होता है पानी से, मुझे भी है, बट थोड़ा गहरे पानी से पता नहीं थोड़ा ऐसा कुछ तो होता है। हाँ थोड़ा सा। कभी ये मतलब आपने किया भी है ऐसे डीप में जाने की कोशिश? मतलब स्विमिंग की कोचिंग ली थी, नॉर्मल जितना सीखा, बट जैसे ही वो डाइविंग वाले लेवल पे मैं पहुंचा और मेरे को वो सेकंड फ्लोर पे खड़ा करके नीचे देखा ना मैंने, तो वो इश्क पिक्चर में था ना, मरा 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 मरा, वो हो जाता है मेरा मरा 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 मरा। तो कोशिश की नहीं है, बट आई थिंक आई वुड वांट टू फेस दैट फियर एंड गेट डन विद इट। व्हाट आर 3 आइटम्स ऑन योर बकेट लिस्ट? लाइक एनी आइटम, अ ब्यूटीफुल ह्यूज हाउस विद अ ब्यूटीफुल डेक, लैविश सा हाउस हो, और क्या, और एक दो बाइक्स अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ आने वाले सालों में। एंड और क्या है, और बस यार परिवार के लिए बहुत सारी खुशियाँ और गुड हेल्थ, आई थिंक इससे ज़्यादा बकेट लिस्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। व्हाट्स द वियर्ड एडवाइस यू हैव एवर हैड इन योर लाइफ? कह रहे भाई तुम दीप जी के बेटे हो, लीड क्यों कर रहे हो, नेगेटिव करो, नेगेटिव क्या है, वो नेगेटिव करूँ चाचा? मतलब मैं बोला एक तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि एडवाइस दे रहे हो, क्या एडवाइस दे रहे हो कि अरे हीरो क्यों कर रहा है तू, नेगेटिव कर, नेगेटिव, दीप जी के बेटे हो। मतलब जी नमस्ते, थैंक यू। व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव एवर हैड? हैड एज इन फूड? यू हैव एवर डन? ये यार इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था मैं। वाइल्डेस्ट क्या बोल सकते हैं अपन, बहुत गंदी चीज आई दिमाग में। सो बहुत छोटे थे हम लोग, ठीक है, मतलब अरे वो मैं मतलब कुछ आड़े टेढ़े दोस्त होते हैं ना आपके थोड़े बचपन में, होली का किस्सा है और फुग्गे से रिलेटेड है। फुग्गे में पानी नहीं भरा था, कुछ और भरा था, और सीधा चलते फिरते जितनी रिक्शाएं जा रही थी सबके मीटर पे एम कर करके सब रिक्शा वालों पर फेंका था। अब वो समझदार समझ जाएंगे और क्या था पानी के अलावा फुग्गे। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट योरसेल्फ? अबाउट माई सेल्फ दैट मैं किसी भी तरह के ट्रेंड्स के प्रेशर में नहीं आता और मैं किसी भी तरह के प्रेशर में आके खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं खोता। सो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है। So lastly, what's the silliest excuse you have ever used to get out of a date? Sun, aaj pet bahut kharab hai. I think I need to. Thank you so. Isse kharab aap kya bol sakte ho? Sun, I think I don't have medicine. Pudina ra lena hai. Thank
थैंक यू सो मच कवर फॉर गिविंग दिस मच टाइम. और ये क्लिप हम जरूर एलिस को भेजेंगे ताकि जब दोबारा आपका पेट खराब हो तो वो अलर्ट हो जाए कौन सा पेट खराब है. हाँ कि एलिस चल नहीं करते यार, पेट खराब है. सो मच. हाय गाइस, दिस इज कमर ढिलन, आपका अपना सचिन, और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पर.